हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों को दिखाएंगे मेरा बैकयार्ड गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स हार्वेस्ट होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी चलिए फ्रेंड्स आज भी देख लेते हैं फिर कितना सारा वेजिटेबल्स हार्वेस्ट होगा, क्योंकि हर बार तो बहुत कुछ हार्वेस्ट होता है, इस बार ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। मेरा बनाना इधर है, इधर भी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बनाना में कीड़ा लग गया इसका। ये देखिए खराब हो गया और गिर गया, फिर भी हम रख दिए। बहुत छोटा छोटा है, कुछ थोड़ा बड़ा होगा तो तब हम हार्वेस्ट कर लेंगे, तो काम में आएगा, नहीं तो अभी बहुत छोटा है ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इधर भी दो बनाना का खाली है, अभी अभी ठीक ठाक है। और सब देखिए फ्रेंड्स, इधर भी एक तो है। और ये जो बनाना का पौधा, इसमें बनाना का फ्लावर आएगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना जो छोटा लीप आ गया, तो मतलब इसमें अभी बनाना का फ्लावर आएगा। और बहुत छोटा लीफ आ गया, तो लास्ट लीफ होता है जो लास्ट लीफ। देखिए फ्रेंड्स, इधर से देखिए देखिए, वो और नहीं वो बड़ा होगा। और इधर से देखिए ना, बनाना का फ्लावर आ रहा है ना, और एक दो दिन बाद बाहर निकल आएगा। और इधर देखिए फ्रेंड्स, जो हिबिस्कस, ये भी अभी छोटा छोटा हो गया, तो अभी तो विंटर में फ्लावर छोटा हो जाता है हिबिस्कस का फ्लावर। और फ्रेंड्स, इधर मेरा चीकू अभी नहीं हो रहे, अभी सब फ्लावर आ रहे, कुछ दिन बाद होगा। और इधर मेरा वाटर एप्पल में भी अभी कुछ नहीं है, नहीं फ्लावर है ना कुछ है। इधर लीची में भी अभी इसमें फ्लावर नहीं आता है, फेब्रुअरी मार्च में इसमें फ्लावर भर जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा तारा रूट, ये देखिए, ये मेरा टेरेस पे था, हम नीचे लाया, तो फिर हम टेरेस पे ले जाएंगे। हमको अच्छा लगता है सब कुछ देखने में। और इधर मेरा पाइन एप्पल का जंगल, पाइन एप्पल भी अभी भी एक तो है, तो अभी ऐसे पाइन एप्पल नहीं होता है। और फ्रेंड्स जानते हैं, मेरा जो ईपर लिपोमा गोरीचोरी जो फ्लावर का पौधा है, तो इसमें बहुत सारा फ्लावर है और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है। अभी नीचे से ठीक से दिखाई नहीं देता है, ऊपर में है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बाहर से दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा गार्डन थोड़ा हम क्लीन कर लिया पूरा, देखिए मिट्टी विट्टी सब हटा के सब क्लीन हो गया। और इधर सब देखिए पूरा लीफ है, तो ये सब लीफ लेके हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो इधर ऐसे भी यहीं पर पड़ा है, इसका नीचे जो लीफ सड़ गया वो एकदम कंपोस्ट रेडी हो गया। और इधर भी देखिए फ्रेंड्स, पाइनएप्पल का पौधा लगाया। और ये सब देखिए, कोकोनट का जो सेल है हम काट के रख दिया, और ये जब ड्राई हो जाएगा तो ये हम कुछ इसमें हम जलाएंगे, राख हो जाएगा, तो गार्डन में बहुत काम में आएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा हम इधर सब बना रहे,
ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा छावा है तो हो जाएगा। इधर रोज प्लांट भी हम प्रूनिंग कर दिए, अभी अभी इसमें देखिए बहुत अच्छे लीफ आ गया। इधर भी देखिए फ्रेंड्स, पूरा हम बागान गार्डन क्लीन कर लिया, तो जब यहीं पर सब फ्लावर खिलेगा तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये मेरा क्रोटोन एक तो है, बहुत लंबा हो गया, हम प्रूनिंग नहीं किए, ऐसे बहुत बड़ा हो गया। और इधर भी देखिए, इधर हम ना टमाटर का पौधा लगाया, तो 4-5 दिन हो गया, तो अभी सब ठीक ठाक है, तो कुछ दिन बाद देखिएगा यहाँ पर पूरा ग्रीन हो गया। और अभी देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरा पूरा जो गुआवा का पौधा था काट दिया, क्योंकि धूप नहीं आ रहा था तो सब काट दिया। और इधर भी पाइन एप्पल पूरा क्लीन करना पड़ेगा, इसे पूरा साफ कर दिया। और इधर चलिए फ्रेंड्स, इधर लेमन जो था पूरा ख़त्म हो गया, हमें एक भी नहीं मिलेगा, पूरा ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन बाद लेमन में फ्लावर आएगा तो अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये जो स्टीम बाइन का लीफ है ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, इसका पेट में इसे खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार के बाद खाना अच्छा नहीं लगता है, किसी को बुखार है तो इसका लीफ का से कारी बना के खाइएगा तो बहुत अच्छा है। ऐसे भी ये दाल के साथ जो बड़ा बना के खाइएगा तो वो भी अच्छा है, बहुत फायदा है इसमें। तो अभी ये लीफ भी हम थोड़ा आज हार्वेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका लीफ ठीक से देख लीजिए,
जाते हैं ईगो ना, धूप एकदम नहीं लगता है। तो फिर ये चिली का पौधा हो गया, हम लगाया था तो अभी धूप नहीं है, पानी भी नहीं दे रहे, अभी थोड़ा पानी भी डालेंगे मैंने से और चिली को होगा। और फ्रेंड्स आप लोग मेरा टेरेस गार्डन है ना, उसका भी वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा मेरा कितना सारा पौधा है। तो इसलिए थोड़ा केयर हमको कम हो जाता है हर पौधा के लिए, तो फिर भी हम जब हमको टाइम मिलता है हर पौधा को हम थोड़ा थोड़ा केयर लेते हैं। तो और जो होता है हमको अच्छा लगता है, खुशी लगता है, सब कुछ हमको जब मिलता है हम बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोग भी जब गार्डनिंग कीजिएगा तो आप लोग कभी देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब कुछ हार्वेस्ट होता है, फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हार्वेस्ट होता है बहुत अच्छा लगता है। तो और फ्रेंड्स इधर मेरा जो कोकोनट ट्री है ये तो नया पौधा है, तो एक दो साल हो रहा है इसमें कोकोनट हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो कोकोनट का पौधा में हम तो एकदम ज्ञान नहीं लेते हैं। और फ्रेंड्स इधर जो ड्राम स्टिक का लीफ है ना, थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये लेने से क्या होगा, ये तो ये जानते हैं फ्रेंड्स ये सुपर फूड है और इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। और आप ये हर टाइम खाइएगा तो आपका बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जो वेजिटेबल शाक बनाते हैं उसमें थोड़ा डाल देते हैं तो हमको हो जाता है। और इसे भी थोड़ा कड़वा लगता है तो फिर भी इसका जो एक फ्लेवर होता है बहुत टेस्टी है। थोड़ा थोड़ा ऐसा हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इतना छावा हो गया ना इसलिए उतना अच्छा इसमें फ्रूट्स नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, सब कुछ तो होता है ना।